न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार जोहार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जम क्षेत्र से। जियो कंपनी में दिहाड़ी मजदूरी करने के दौरान मृत गुलशन के परिवार वालों ने दिन मांगो दिन स्थित जियो कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। अन्यथा शव का अंतिम संस्कार न कर शव को कार्यालय के बाहर रखकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। चार दिन पहले मांगोडी बाजार के निकट जियो वायर बदलने के लिए कंपनी के अधिकारी ने दिहाड़ी मजदूर गुलशन को चोट पर चढ़ाने का दावा बनाया, जहां गुलशन द्वारा सेफ्टी बेल्ट की मांग की गई। कंपनी द्वारा सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी परिस्थिति में गुलशन काम कर रहा था, तभी बिजली की चपेट में आकर 30 फीट ऊपर से ही वह नीचे गिर पड़ा। आनंद फानंद में परिजनों ने गुलशन को टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां गुलशन की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही भाजपा नेता विकास सिंह परिजनों के साथ जिला कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर कंपनी के पदाधिकारियों पर परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की। जानकारी देते हुए भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि जिस कंपनी पर भारत को गर्व है, उस कंपनी में सेफ्टी के कमजोर मायने पूरे कंपनी प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हैं। गुलशन गरीब परिवार का लड़का अपने माँ का और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जियो कंपनी में काम करता था दिहाड़ी मजदूरी में। मंगलवार को उसे अफसरों ने कहा कि एक ताट ठानना है बिग बाजार के आगे। गुलशन ने कहा कि मेरे पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है। गुलशन ने कहा कि ऊपर में करंट दौड़ रहा है, हम कैसे चढ़ेंगे? तो कहा चढ़ो नहीं तो काम से भगा देंगे। मरता क्या नहीं करता, पापी पेट का सवाल है। वो चढ़ गया ऊपर, जो उसे सख्त था वही हुआ। बिजली का झटका उसको इतना कस के लगा कि वो सीधे 30 फीट ऊंचे पोल से नीचे गिर गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके माता पिता परिजनों ने उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया और कल उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। और स्थिति यह बन गई कि उसकी माँ बेसहारा हो गई है, चूँकि गुलशन के पिताजी का देहांत अनेकों वर्ष पूर्व हो गया है। मैं अस्पताल गया तो उनकी माँ ने मुझे बुलाया था। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था वहाँ के अधिकारियों के कि मुझे रंगदारी नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। मैं तो जाता हूँ कि जो भारत का संविधान है, जो कानून है, कि काम करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे क्या मुआवजा बनता है, आप वह मुआवजा दीजिए, इसके लिए माँ का भरण पोषण करें। इसके साथ ही एक ऐसा मजाक, भद्दा मजाक, जो भारत की विश्व स्तरीय कंपनी है, जिसमें भारत घमंड करता है कि जियो अंबानी की फैक्ट्री हमारी फैक्ट्री है, और वो कंपनी के इंजीनियर बिना किसी सेफ्टी अप्लायंसेस के, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के और बिना करंट काटा पोल में चढ़ा दिया गरीब को, ये नहीं चलेगा। कल और लोगों की मौत ना हो जाए, इसका परिवार का भरण पोषण। अभी ऑफिस में क्या देखते हैं? प्रत्येक दिन ऑफिस यहाँ चलता था, मैं आया था निजी अपने काम से भी बहुत बार, अनेकों बार आया था। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहा था, कलर लो दुनिया मुट्ठी में जियो है ना, स्वदेशी विदेशी सब लिखा हुआ रहता था। यहाँ जब इनको देखा तो कंपनी के अधिकारी यहाँ ताला बंद करके भाग गए, और इसके साथ ही जो उनका बोर्ड लगा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस बोर्ड को भी अपने मुट्ठी में करके लेके भाग गए। मैं आया हूँ, मेरी बात